तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसे चल रहे हो आप लोग की रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और बहुत बंदे अभी कमेंट कर रहे थे कि भाई उन लोगों को एस के बाद ना प्लस नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा बोला हूँ आपको कोई भी कुछ भी डाउट है ना रैंक पुशिंग के रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ और पूरा डिटेल्स के साथ समझाऊँगा और अच्छी तरह से समझाऊँगा। क्योंकि देखो सोलो में ना प्लस लेने के लिए बस ओनली सर्वाइव चाहिए, ना कि किल चाहिए। मैं हर एक वीडियो में ना हमेशा बोलता हूँ कि देखो किल के चक्कर में मत जाओ, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत गलती हो जाए ना तो आपका गेम प्ले पूरा ख़राब हो सकता है। तो आप कोशिश करो सर्वाइव के लिए, जितना ज़्यादा सर्वाइव निकालोगे ना उतना ज़्यादा आपको प्लस मिलेगा, उसका पूरा जीता जाता है। जो लाइव एग्जांपल बोलते हैं ना, इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो सीन है ना, मैं ये जो सिटी है ना, क्या बोलते हैं इसको, जॉर्जबुल सिटी साइड मैंने उतरा था यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पूरा लूटपाट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ कि शॉप में, और तभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा फाइट करेंगे, उसके बाद समझाते हैं क्या सीन है। सबसे पहले फ़ाइट देखो कैसे भी यहाँ से, मतलब यहाँ पे मैं फ़ाइट निकालता हूँ, बिल्कुल इजी फाइट निकालूंगा, सिर्फ नेट से डैम मतलब जो बंदा है वो है ना उसको किल करूँगा। और आप भी ऐसा कर सकते हो, सबसे पहले फ़ाइट देख लो उसके बाद मैं पूरा डिटेल्स में समझाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरा मैं कैसे फाइट निकाला हूँ, सिर्फ उसका जो साउंड है ना वो साउंड मैंने सुना, जब भी जिस साउंड में आया कि वो बंदा जो शॉप है ना उधर शॉपिंग वगैरह करने के लिए रुका है, तभी मैं यहाँ पे नेड करता हूँ और इजी के लिए इस बंदे को कर देता हूँ। आप भी ऐसे ही होल्ड करके फाइट करो, कोई अंधाधुन घुसने का कोशिश मत करो। देखो फाइट लेना ही है ना, थोड़ा सा संभाल के लो, और आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है कुछ मतलब दिक्कत वगैरह हो सकता है, तब तुरंत वहाँ से भाग भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोलो में आपको देखो जस्ट आपको टॉप 10 से मतलब टॉप 10 निकालना रहता है, टॉप 7 टॉप 6 जितना हो सके, चिकन हमेशा नहीं होता, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। मेरा भी इस वीडियो में होगा, मतलब इस जो गेम प्ले है ना इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा गलती करूँगा तो भी समझाऊँगा। और यहाँ पे कैसे मैं देखो पूरा जोन टू जोन सर्वाइव करता हूँ, देखो वहाँ पे मैं जॉर्जबुल पे था, जब भी फोर्थ जोन स्टार्ट होता है ना तब मैं जोन के अंदर एंट्री लेता हूँ। तो ऐसे ही करो, जोन सर्वाइव करोगे ना तो ही आपको मतलब जो है ना मतलब सर्वाइव अच्छा मिलेगा। और बैंडेज वगैरह लगाते रहो, क्या दिक्कत है, सोलो में थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलो। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एस पे हो क्राउन पे हो एस मास्टर पे हो ना तो हमेशा पेशेंस के साथ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मतलब फाइट वगैरह मत लो बहुत जल्दी, जब तक टॉप 10 ना हो जाए ना तब तक फाइट ना मत लो, और लेना ही है ना बहुत ज़्यादा सेफली फाइट लो, कवर में रह के कोई दिक्कत नहीं यार। ओपन में कवर में कहीं मत रोकना, बहुत बंदे गलती करते थे ओपन में रोक के ना फाइट ले लेते हैं, तो ऐसा कभी मत करना। थोड़ा सा कवर लो या कोई घर वगैरह या शैक वगैरह हो है तो खाली उधर जाओ, उसके बाद अच्छे से अपना पोजीशन निकालो, फिर जाके फाइट वगैरह लो। तो यहाँ पे भी देख सकते हो मैं यहाँ पे बस जोन सर्वाइव करते करते ना यहाँ पे जो वाला टावर बोलते हैं मशरूम टावर ना पता नहीं क्या बोलते, इधर आके मैं रुक जाता हूँ। जोन देखते हो कितना छोटा हो गया, अभी 19 बंदे अलाइव है, तो मैं अभी तो फाइट नहीं लेने वाला, और जितना भी फ्री किल है ना उतना मैं निकालने की कोशिश करूँगा, ना मिले ना कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को टॉप 10 तक जाना है क्योंकि मेरे पास 3 किल ऑलरेडी है, एक दो किल भी रहता है ना मैं फिर भी कोशिश करता हूँ टॉप 10 निकालने के लिए, और अभी ज़्यादा कोशिश मत करो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कैसे मतलब बिल्कुल कवर में रख गाड़ी पे स्प्रे देता हूँ, पर उन पर किल कर नहीं मिल पाता बंदा का, मैं डैमेज अच्छा खासा देता हूँ पर किसी बंदे ने उसको किल कर दिया। तो ऐसा इसे ना हमेशा एक कवर ले लोगे ना तो अच्छा खासा मतलब सर्वाइव निकाल सकते हो। अब देखो सामने वाला जो जोन था ना वो भी जोन क्लोज इन होने वाला था, और यहाँ पे एक बंदा था जो गाड़ी लेके आ रहा था, मैं उसको गाड़ी को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। अब बारी था उस बंदे को किल करने का, तभी बग्गी लेके और एक बंदा यहाँ पे घुस जाता है, तो उसको भी इजी किल कर देते हैं। देख सकते हो मैं कैसे कवर में रह के फाइट ले रहा हूँ, अभी भी टॉप 10 नहीं पहुँचा तो मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। जोन इस मतलब जोन भी है ना जो वो स्टार्ट होना चालू हो चुका है और वो बंदा आने वाला है, तो इस बंदे को भी जोन के बाहर ही मैंने रोक के रखा था, और बंदा जब भी जोन के अंदर आता है ना उसको भी इजी किल कर दिया, और मैं यहाँ पे फाइनली टॉप 10 पहुँच चुका। अब बारी था देखो थोड़ा सा फाइट लेके खेलना है, आप जितने भी आसपास के बंदे हैं ना उसमें थोड़ा सा फाइट ट्राई करेंगे, और यहाँ से आप गेम प्ले एंजॉय करो, और एंड में देखना क्या ही सर्वाइव में निकाला हुआ, आपको मज़ा आ जाएगा।
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ा सा स्लिप हो गया, और जहाँ से मतलब यहाँ तक जैसे भी सर्वाइव किया ना, थोड़ा सा भी समझ में आया ना, तो ऐसे ही आप गेम प्ले करो, बिल्कुल फाइट मत लो। पहले तो बिल्कुल फाइट मत लो, मैं हमेशा बोलता हूँ यही चीज़ अप्लाई करो, आपका प्लस अच्छा खासा होगा। और यहाँ पे गाड़ी पे रोक के मैं थोड़ा सा हीलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि सामने भी बंदा है बहुत सारा, और बिना हीलिंग का जाऊँगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और आप भी हमेशा हीलिंग फुल करके रखो, और बूस्टेड वगैरह भी पूरा फुल लगा के रखो, उससे थोड़ा सा फाइट लेने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अब बारी था जोन के अंदर घुसने का, मैं थोड़ा सा जोन के बाहर था, और यहाँ से भी जो नेक्स्ट लेवल सर्वाइव है ना, देख सकते हैं भाई 6 बंदे अलाइव है, जो सारे बंदे ना वो प्लेटफॉर्म के साइड है, और एक BRDM वाला भी बंदा है, उससे भी थोड़ा सा बच के रहना है। तो यहाँ पे यही तक तो ना जो सर्वाइव है ना बहुत अच्छा खासा जा रहा था, टॉप 6 भी हो चुका था और 6 किल भी है, तो देख सकते हो कि बिल्कुल सेफ खेला मैंने, और अच्छा खासा किल भी निकाला। हमेशा किल नहीं मिलता है भी, मैं जानता हूँ, तो किल के चक्कर में मत रहो, बस सर्वाइव के मतलब लिए खेलो। और सामने वाला बंदा जो फायर वगैरह कर रहा था उस पर थोड़ा सा नेट ट्राई करते हैं, देखते बंदा कुछ होता कि नहीं, तो इस नेट से तो कुछ शायद कुछ नहीं होने वाला मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली कुछ हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को जाना था जोन के अंदर, क्योंकि ये जो जोन है ना भाई टच करके ना बहुत अच्छा खासा डैमेज देगा। तो मैं यहाँ पे बस होल्ड करूँगा थोड़ा सा, उस बंदे का जो पोजीशन है ना वो थोड़ा सा देखूँगा, वो बंदा कहीं पे रुकेगा, तो मेरे पास ऑलरेडी शॉटगन है तो उससे भी मैं भर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जोन भी बहुत जल्दी क्लोज इन होने वाला है। भाई शॉट गन का यही दिक्कत है, कनेक्ट हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भाई एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुआ। कोई नहीं, फिर भी मैं यहीं पे 7 किल के साथ टॉप 2 निकाला, अच्छा खासा 26 का प्लस मिला। तो देख सकते हो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई सर्वाइव के लिए खेलो, ये थोड़ा सा पुराना गेम प्ले था कॉन्करर मिलने से पहले वाले दिन का गेम प्ले था, और अभी थोड़ा सा प्लस कम मिल रहा है, उसके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक लाऊंगा, और अब बस सेफ खेलो, इतना ही बताऊंगा। तो चलो फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।